हे गाइस, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाने वाली हूँ मार्केट। बहुत दिनों बाद हम दोनों जा रहे हैं मार्केट। तो सबसे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, तो सबसे पहले लगा लेंगे मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी स्किन ना ड्राई हो जा रही है। वैसे तो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, पर विंटर्स में ड्राई हो जा रही है, तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं। आप मेरे नेल्स देखो पहले। पता नहीं क्यों, पर मुझे अपने राइट हैंड के नेल्स बढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुरंत काट देती हूँ जैसे ही बड़े होते हैं। फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी थोड़ी सी लिपस्टिक। यस, क्योंकि मेकअप तो हम कर नहीं रहे हैं, पर थोड़ी सी लिपस्टिक तो चलती है। तो अब मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। पर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं तैयार होके जा रही हूँ मार्केट, और हमारे बीच एक मुख्य अतिथि हैं ये मतलब ये नहीं होता कि कोई तकलीफ नहीं होती। तो अब हम लोगों ने ऑटो ले लिया, क्योंकि जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो काफी दूर है, तो हम वहाँ तक पैदल तो जा नहीं सकते, तो इसलिए ऑटो कर ली है। और फिर हम लोग चलेंगे पैदल अभी, और पैदल चलना बाकी है बहुत दूर। तो इधर मार्केट में जाते वक्त ना, हम सारे दुकान के बाहर जितने भी कपड़े लगे होते हैं ना, सब पसंद करते हुए जाते हैं कि वो ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। कभी कभी तो रेट भी पूछ लेते हैं अंदर जाके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बॉम्बे मेकअप बाजार करके कोई सेल लगती है, तो वहाँ पे गए थे। यहाँ पे ना सब बहुत तरह की सेल लगी होती है, जिसमें आपको 30, 40, 10, 50 ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें मिलती हैं। स्टेशनरी का भी सामान होता है इसमें, और क्रीम और मेकअप ये सब भी होता है, ज्वेलरी भी होती है, कपड़े भी होते हैं, कभी कभी बैग्स भी होता है, सैंडल्स भी होती है, और कुछ सजावट के सामान भी होते हैं। और यहाँ पे ना इतनी अजीब अजीब चीज़ें मिलती है कि देख के तो पहले समझ ही नहीं आता है कि है क्या चीज़। मतलब एक मिनट तो उसको समझने में लगता है कि ये भाई क्या चीज़ है। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर बॉटल्स और किचन का सामान मिल रहा है, और यहाँ पर इस साइड है ज्वेलरी, जो कि अच्छी अच्छी ज्वेलरी मिलती है, पर थोड़ी सी पुरानी लगती है देखने में। और ये देखो, ये ऐसे देखने में ये चम्मच लग रहा है ना, पर ये क्या है मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था। फिर हमने किसी से पूछा, तो वो उन्होंने बताया कि ये पेन है। फिर पीछे से इसका कैप ऐसे निकालना था, और ये थी पेन, और ये है कांटे वाली चम्मच। देखने में एक तरफ से जादू वाली छड़ी लग रही है, और एक तरफ से कांटे वाली चम्मच लग रही है। और यहाँ पर ये देखो, छोटी छोटी सी क्लेचर मिल रहे हैं, ये 30 रुपीज़ के, नहीं 20 रुपीज़ के, 20 रुपीज़ की सेल है ये। इसमें सब ये बाल में लगाने वाला जूड़ा है, और इधर ना आई ग्लिटर्स भी थे, और ये वाली क्लिप्स तो आपने ऑनलाइन देखी होगी, बहुत ज़्यादा मिलती है। और ये है बिस्किट जैसा दिखने वाला ये रेजर, और ये वाली क्लिप ना ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा मिलती है। तो ये वाले पहले ये ना बहुत ढेर सारा था, अभी ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे नेल पेंट्स भी हैं जो 30 रुपीज़ के। फिर शिवानी ये दिखा रही है, ये है रबर जो कि प्लास्टिक का है, और इसको आप ऐसे करके खोल सकते हो और ऐसे बंद करके लगा सकते हो अपने बाल। और कुछ दिन पहले मैंने सेम यही रबर इंस्टाग्राम पे देखा था, जिसका प्राइस 100-200 समथिंग का था। ये है नेल आर्ट जो कि 10 रुपीज़ की है। ये वाली जितनी भी सब चीज़ें आपको दिख रही है, ये 10 रुपीज़ की है। वहाँ से बाहर आने के बाद हम लोग जब आगे बढ़े, तो यहाँ पे इयररिंग्स लगी हुई थी, तो हम इयररिंग्स देख रहे थे। मुझे लेना था ब्लाउज़ का कपड़ा, तो मैं इस वाले दुकान पे आई थी। यहाँ पे ना थान का कपड़ा बहुत अच्छा मिल जाता है, तो यहाँ पे ये जो कपड़े लगे हुए हैं, इनसे आप लहंगा, साड़ी, सूट, कुर्ती कुछ भी बनवा सकते हो अपनी साइज़ का। तो यहाँ से मैं सूट का कपड़ा, और दो बार मैं यहाँ से सूट का कपड़ा लेके जा चुकी हूँ। और ये देखो, ये लहंगे का कपड़ा है, आप इससे लहंगा बनवा सकते हो। आजकल वेलवेट वाला कपड़ा काफ़ी आया था, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं, तो दुकानों पे भी वेलवेट वाला कपड़ा ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने ये ब्लैक वाला कपड़ा लिया था 1 मीटर।
और आगे ना एक और सेल लगती है जहाँ पे कभी कभी मेकअप वाला सामान भी मिलता है, और अभी विंटर्स आ गए ना तो यहाँ पे कोट्स, जैकेट्स, जीन्स भी मिल रही थी, और ये सब 500 से 300 के बीच का ही था, और जीन्स भी था जो कि 200 का मिल रहा था। फिर यहाँ से निकलने के बाद फिर हम एक ईयरिंग्स की शॉप पे ही रुक गए, क्योंकि हमें जहाँ ईयरिंग्स दिख जाते हैं हम वहीं रुक जाते हैं। फिर यहाँ पे भी थोड़ा हम देख रहे थे। तीनों टाइप का रखते हो तो कितना अच्छा रहता सा देख के मैं कहा है इसको। तो वापस जाते वक्त ना इस दुकान के बाहर एक बैग टंगी हुई थी, वो मुझे दिखी और बड़ी ही ना यूनिक सी लग रही थी, तो मैं अंदर गई और पूछी कि भैया कितने की है बैग। तो उन्होंने बोला 600 समथिंग की, और सेम इसमें की एक और छोटी बैग थी, बिल्कुल सेम यही डिज़ाइन था, बस वो इससे थोड़ी सी छोटी थी। और दो दिन पहले मैंने अमेज़ॉन खोला था और सेम यही बैग अमेज़ॉन पे 1000 रुपये की मिल रही थी। अब हम लोग आ गए हैं पेट पूजा करने, इतने दिन के बाद मिलने की खुशी में मेरी सोमी मुझे पार्टी दे रही है। ये कौन था तुमसे पार्टी? मैं तुमको पार्टी नहीं दे रही हूँ, तुम पार्टी ले रही हो। यार तुम यार इतना महंगा चीज कर दियो फिर 250 रुपए का पार्टी तो यार सबको क्यों बता रही हो। 250 रुपए का जींस कर दियो, 10 रुपए का वो क्या होता है ब्रश, मेकअप ब्रश। तो अभी हम लोग पेट पूजा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो देखो अंकल, देखो अंकल जी अभी क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वड़ा पाव। वड़ा पाव मुझे ना अपने फ़ोन का कवर लेना था, तो मुझे एक दुकान में देखी थी वहाँ पे, मैं सोची थी कि हाँ मैं यहाँ से कवर लेके जाऊँगी, पर जाते वक्त मैं वो दुकान पता नहीं कब चली गई, मुझे याद ही नहीं आया। फिर वापस आते वक्त मैं याद करके जा रही थी कि हाँ मुझे फ़ोन का कवर लेना है, कवर लेना है। तो फिर मैं गई उस दुकान पर, तो उस दुकान पर वैसा कवर नहीं था, तो फिर हम दूसरी दुकान पर गए। तो अब जब हम पर्स देख ही रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ और भी देख, क्या पता पसंद आ जाए कुछ, तो मैं इस वाली दुकान पे गई थी। और ये ब्लैक वाला ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और इसका प्राइस उन्होंने बताया था 500 समथिंग का, पर वो 400 में देने के लिए तैयार हो गए थे, पर शिवानी को अच्छा नहीं लग रहा था। क्या शिवानी कुछ भी खाने से। तो इस वाली दुकान पे हम आए कवर लेने के लिए, तो मुझे ना बहुत क्यूट सा गर्लिश टाइप का पिंकी पिंकी सा जो कुछ कवर चाहिए था जो कि क्यूट सा लगे, पर वहाँ पे ना कोई ऐसा कवर ही नहीं। मुझे ना क्यूट कवर चाहिए, क्यूट कवर यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ पर क्यूट कवर नहीं मिल रहा। कैसा कवर चाहिए मुझको? तो क्यूट वाला चाहिए यार, मेरे मन को पूछ मैं क्या कवर मैं निकालूंगी मोबाइल तो मेरी बेटी क्या मोदी तो ये कुछ कवर्स था जो मुझे दिखाया गया, और इसमें से मुझे ये ब्लैक वाला ही अच्छा लगा, बाकी सब तो कुछ खास नहीं लग रहा था, तो मैंने ये ब्लैक वाला ही ले लिया। हम लोग अगर घूमने उमने जाते तो मम्मी लोग पैक कर लेती है खाना रास्ते में के लिए, वैसे शिवानी खाना पैक किया। और रात में इतना अंधेरा होता है यहाँ पे। मैं जा रही हूँ शिवानी की दुकान पे, शिवानी मुझको खिलाएगी कुरकुरे। कुछ नहीं,
फिर मेरे पास पैसे नहीं है, वैसे भी सारा पैसा तो दुकान चला गया। दुकान पैसा थोड़ी लगता है, क्यों नहीं लगता है? अच्छा दुकान में तुम कुछ भी दे दो, तुम इतने बड़े दिल की हो। दिल इतना बड़ा है कि तुम मुझे कुछ भी खिला सकते हो। मेरा दिल दोबारा नहीं है, मेरा दिल बहुत छोटा है, उसमें एक लोग भी अच्छे से नहीं आते हैं तो। हाँ तुम पूरा ग्रुप आ जाता है, एक लोग नहीं आ पाते। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इसके दिल में। लौट जाओ प्लीज। ओके फ्रेंड्स बाय बाय। अब मैं सोमी यहाँ से वापस जा रही है, मेरे पास पैसे नहीं है इसको खिलाने के लिए। तुम्हारे एग्जाम चल अच्छा, अभी मुझे नहीं पाई किसी पार्टी मांग रही हूँ, मांगने के लिए कह रही है मेरी माई। किस चीज की पार्टी मांग रही है? हाँ चलो टॉफी खिलाओ। मोदी जी मोबाइल दिए हैं। बट ये मोबाइल टॉफी नहीं खाई। अरे वो खाई नहीं, हो गया। और ये दे दो तो डेरी मिल्क सामान। क्या चाहिए तुमको? देख 5 रुपए वाला दे। उसे बड़ा ले ले, कोशिश मत करिए। नहीं इसको मैं 5 टाइम कितनी दुष्ट है बताओ। 5 टाइम खाती हो तुम? तुम तो डेरी मिल्क खाती हो। मुझको ये तो ये नहीं चालू हुआ था। 5 स्टार 5 स्टार दे दो इसको। और मुझे बदले में 5 स्टार रेस्टोरेंट में पिज्जा पार्टी दे देना सुनी। 5 स्टार के बदले में, 5 स्टार के बदले में कुछ ज्यादा 5 स्टार। मुझको मिल गई चॉकलेट, थैंक यू शिवानी। तो अब बताओ अगली पार्टी कब होगी? ये लड़की कहाँ बैठी है? वाह तुम उगते हुए सूरज की तरह लग रही हो। बाय।